देखिए, मैं इस जो ये जो तजिया है इसको टोटली तौर पे रिजेक्ट करता हूँ। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये जो 7 वोट रिजेक्ट किए गए, और ये जो हमें हम समझते हैं ये एक इंतहाई दर्जे की धांधली हुई। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो भी न्यूट्रल नहीं थे, वो ऑपोजिशन के बेंचेस में बैठे रहे सेनेट के, और ये बहुत बड़ा एक वोट चोरी, इलेक्शन चोरी हुई, और अवाम इसकी जो है वो गवाह है, उसके सामने हुई। अवाम जो तजिए चल रहे हैं, एक एक ये जो पीटीआई जश्न मना रही है वो अलहदा रख लें, लेकिन पूरी अवाम ने ये तमाशा देखा कि जो वोट 4 साल का बच्चा भी बता सकता है कि किसको डाला। तो ये तजिए से मैं कतन तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने होलसमली जो है हमने सपोर्ट किया गिलानी साहब को, और हमारे सेनेटर्स ने सपोर्ट किया। ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए ये रिजेक्ट भी नहीं होने चाहिए थे, और ये मैं समझता हूं कि ये जो जीत है ये कभी भी अगर इसको आरजी तौर पे मिल भी जाए, लेकिन मॉरली तौर पे ये अवाम इनको नहीं मानती कि ये जीते हैं। अच्छा, मैं ठीक। जो अभी तजिया मैं सुन रहा था उसके अंदर मेरा मौकफ इस हद तक तो मैं एग्री करूंगा कि अगर वोट के अंदर ऐसा निशान लगाया जाए जो आइडेंटिफाई हो जाए वो वाकई गलत है और उसको मुस्तरद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वोट आप इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डालें और इंस्ट्रक्शंस बारहा आपको दी जाएं कि अगर आप डब्बे के अंदर वोट लगाएंगे तो वो ठीक है, जहां मर्जी डब्बे के अंदर लगा लें, जो बॉक्स है ठीक उसके है। अंदर लगा। अच्छा राणा साहब, इसी हवाले से एक और सवाल सुन लें आप मेरा, एक और सवाल सुन लें राणा साहब। राणा साहब, अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, आपके ख्याल में जो अफरीदी साहब को जिन लोगों ने वोट दिया, क्या वो गिलानी साहब को वोट दे देंगे दोबारा से? देखें, जो अफरीदी साहब का इलेक्शन है, मैं कहता हूं उसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि जब ये 7 वोट चुरा लिए गए और वो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन पहले हुआ, तो उसके बाद इस इलेक्शन की अहमियत नहीं। दूसरा, जमहूरियत पे मैं बात करना चाहूंगा। देखें, बेशक हमारी जमहूरियत कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है, लेकिन इस जमहूरियत के ऊपर आप और शब खून मारें और कितनी के जो है जिस तरह की टूटी फूटी जमहूरियत है उसको आप और लंगड़ा रूला कर लें कि टेलीफोन कॉल्स के ऊपर और इंटरफेरेंस के साथ उसके अंदर और मनूवरिंग कर लें, तो आप जमहूरियत का भला नहीं कर रहे, उसका और नुकसान ठीक है। कर रहे। अच्छा सर, ये तो आप गुज़श्ता रोज की बात कर रहे हैं ना, जो सेनेट के जो सेनेटर्स के इंतखाबात हुए थे, तो उसमें जो गिलानी साहब को जिन लोगों ने वोट दिया, क्या वो जो था वो ठीक था? देखिए कामरान, अगर तो पैसा चला है तो यहां आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? पूरा पूरे मुल्क को आपने वावेला मचा लिया कि पैसा चला, पैसा चला, पैसा चला, तो पकड़े, सबूत दें, ईसीपी के अंदर शामिल करें, जिन्होंने पैसा चलाया उनको आप कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दें। क्यों नहीं पकड़? राणा साहब, पैसे को छोड़ें, आपकी जो नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने मीडिया पर आकर लाइव टेलीविजन पर आके ये कहा कि पैसा नहीं चला, टिकट चले। टिकट भी तो रिश्वत के जुमरे में ही आता है ना, अगर उन्होंने किसी भी तरह की लालच दी गई है, क्या वो सही था अगर टिकट भी चले हैं? मैं समझता हूं कि उनका जो बयान था, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, मैं पार्टी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का भी मेंबर हूं, वो ये था कि डिमांड थी कि अगर आप हमें टिकट दे दें तो हम मैनेज कर लें, लेकिन कोई ऐसी डील ब्रोकर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि टिकट डिमांड, वो मांग रहे हैं कि टिकट हमें दे दें तो हम मान जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई डील अमल पे नहीं आई। टिकट चले तो वो गलत है, पैसा चला तो वो भी गलत। वो तमाशा जो है कैमरों से शुरू हुआ कि आईनी तौर पे ये एक सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था और इसको इंश्योर करना चाहिए था, और वहां से जो है आईन की धज्जियां उड़ाई गई। 6-6 कैमरे निकले, स्पाई कैम्स निकले, और वो किसने लगाए, कैसे लगे, कौन उसका प्लानर है, अभी इसका सवाल आना है। और उसके बाद फिर जो वोटिंग हुई, वोटिंग में ऑपोजिशन ने 49 वोट्स लिए, और 49 वोट्स में से 7 ऐसे वोट थे जिसको जिसके बैलेट पेपर पूरी कॉम ने देखे। और अगर आप किसी 2 साल तो चले 4 साल के बच्चे से भी पूछें कि ये वोट किसको डला है, तो वो आपको बता देंगे कि ये वोट जो एक ही खाने के अंदर, जहां स्टैंप लगाने के लिए कोई अलग खाना नहीं बना हुआ था, और जो वहां इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वोट कैसे डालना है, वो भी साफ जाहिर करी थी कि खाने के अंदर वोट डालना है, तो वो पूरी कॉम ने तमाशा देखा कि 7 ऐसे वोट जो 4 साल का बच्चा भी बता देगा कि ये वोट किसको पड़े हैं, उनको रिजेक्ट करके साजिद संजरानी साहब को जिताया गया।